दुनिया का हर देश परमाणु संपन्न होने की होड़ में लगा हुआ है। हर देश इस लिस्ट में टॉप पर रहने की जुगत में है। ऐसे में स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सिप्री रिपोर्ट 2020 जारी की है, जिसमें सभी देशों के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसकी जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन और पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। इसके अनुसार मौजूदा वक्त में चीन के पास 320, पाकिस्तान के पास 160 और वहीं भारत के पास 150 परमाणु हथियार हैं। इसमें उन देशों का जिक्र है जिनके पास आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार मौजूद हैं। सिप्री के मुताबिक दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का 90% हिस्सा रूस और अमेरिका के पास है। दोनों देश पुराने हथियारों को खत्म कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले साल एटमी हथियारों की संख्या में कमी देखी गई। हालांकि फिक्र की बात यह है कि पुराने की जगह ये दोनों देश नए न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2010 से 2019 के बीच हथियारों की खरीद फरोख 5.5% बढ़ी है। 2018 में सैन्य सुविधाओं पर करीब $1,917 बिलियन यानी कि लगभग 145 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये 10 साल में सबसे ज़्यादा खर्च हुई रकम है। उत्तर अफ्रीकी देशों ने 2019 के मुकाबले इस साल अपनी सैन्य सुविधाओं पर 67% रकम ज़्यादा खर्च की है। चीन एटमी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। इसके लिए जमीन, हवा और समंदर से हमला करने वाली नई मिसाइलें तैयार कर रहा है। इतना ही नहीं, वो कुछ ऐसे फाइटर जेट्स भी तैयार कर रहा है जो न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। चीन पहले एटमी ताकत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देता था, लेकिन कुछ साल से उसने परमाणु हथियारों और भविष्य की योजनाओं की कुछ जानकारी दुनिया को दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 9 देशों के पास एटमी हथियार हैं। कुल मिलाकर इस वक्त इन देशों के पास 13,400 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। रूस के पास 6,375 हथियारों के साथ रूस पहले पायदान पर है। 30 से 40 हथियारों के साथ उत्तर कोरिया सबसे निचले पायदान पर है। तो आइए एक नज़र डालते हैं उन देशों पर कि किन के पास कितने हथियार हैं। रूस 6,375, अमेरिका 5,800, फ्रांस 290, ब्रिटेन 215, चीन 220, पाकिस्तान 160, भारत 150, इसराइल 90 और उत्तर कोरिया 30 से 40।